गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप सब आइए हमने पिछला लेक्चर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से डिस् डिस्कस कर लिया था आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत बहुत इम्पॉटेंट मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे लाइफ से भी रिलेट करता है वो है हमारा डी एन ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप बहुत सारी चीज़ पता लगा सकते हैं जो आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है रेप की बात करें मर्डर की बात करें है ना और जो दावा करने लगते हैं कि मेरे बाप हैं ये मेरे ये मेरा बच्चा है इस टाइप के बहुत सारे केसेस आजकल मार्केट में देखने को मिल रहा है तो इस सब चीज़ को निकालने के लिए आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पता होनी चाहिए तो एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप जो पता लगा सकते हैं वो बहुत सारी चीज़ पता लग लगा सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का रेप हुआ हो तो आप उस लेडी के अंदर जो स्पर्म उसने कुछ रिलीज़ किया होगा वो स्पर्म लेकर के आप जिस पर सस्पेक्ट है आपका उसका जो डीएनए है वो हम उससे मैच कर सकते हैं पता लगा सकते हैं है ना कि भाई ये आदमी रेपिस्ट है कि नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं एक्चुअल में डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग की बात करूं तो डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें तो पता ही है जैसा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें आपको मैंने पिछला लेक्चर में बहुत सारी चीजें बता रखी है जीनोम के बारे में बता रखा है हमने आपको सारे डीएनए कंटेंट के बारे में सारे सीक्वेंस के बारे में सब चीज मैंने आपको बता रखा है बच्चों आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ह्यूमन की बात करें पीपल की बात करें वो सब में 99.9 परसेंट जो डीएनए कंटेंट है या फिर बेस पेयर सिक्वेंस है वो कैसे होते हैं बोलिए जरा बेस पेयर सिक्वेंस वो सेम होते हैं मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 0.1 परसेंट ही क्या होते हैं बेस पेयर सिक्वेंस वो क्या होते हैं बोलिए जरा डिफरेंट होता है यस yes. डिफरेंट होता है मतलब यूनिक होता है समझ में आई बात तो एक्चुअल में जो हम किसी भी केस में किसी के अंदर भी अगर हम कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये पर्सन क्रिमिनल है कि नहीं है ये सारी चीज ये सारी चीज़ जो है हम कहाँ से पता लगाते हैं बोलिए जरा ये यूनिक वाले पार्ट से अगर हम सेम पार्ट लेते हैं तो हमें सबका सेम ही मिलेगा हमें लगेगा पूरी दुनिया ही रेपिस्ट है जिसका भी चेक करो सबका सेम तो ये जो पार्ट है जीरो पॉइंट वन परसेंट ये कम नहीं है ये भी बहुत है ये भी बहुत है, भी बहुत है। आपको मैंने बता रखा है पूरा इसका डेटा बेस हमने बता रखा है कितने हैं मैंने सारा बता रखा है आपको ठीक है तो पता ये चला कि यही जो यूनिक पार्ट है जो कि हर पर्सन में यूनिक है हर पर्सन में यूनिक है यही चीज़ हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो हम अगर डीएनए uh, की बात करें टोटल डीएनए की अगर हम बात करें तो इस डीएनए के हमें दो पार्ट हैं एक तो हमें देखने को मिलता है बल्क डीएनए ठीक है सर एसीजी सी ड्रॉ कर रहे नहीं अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूं सेंट्रीफ्यूगेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट ठीक है तो आपको देखने को मिलेगा एक तो काफी बिग अपर लेवल का पीक आपको देखने को मिलेगा अपर लेवल पीक आपको देखने को मिलेगा ठीक है और दूसरा आपको एक स्मॉल पीक आपको देखने को मिलेगा ठीक है स्मॉल पीक ये जो आ, जो काफी बड़ा वाला पीक है ये आपको जो देखने को मिलेगा इसे हम बोलते हैं बल्क डीएनए इसे हम क्या बोलते हैं बल्क डीएनए ठीक है और ये जो आपको स्मॉल पीक आपको देखने को मिलेगा बच्चों यही इंपॉर्टेंट है इसे ही हम बोलते हैं सेटेलाइट डीएनए क्या बोलते हैं सेटेलाइट डीएनए या फिर इसको बोलिए रिपीटेटिव डीएनए ठीक है और रिपीटेटिव डीएनए और इसको हम यू भी कह सकते हैं ये कैसे होते हैं नॉन कोडिंग होते हैं मतलब ये क्या होगा दे कैन नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन किसी भी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं करते हैं क्लियर है एक्चुअल में सेटेलाइट डीएनए एन की अगर मैं बात करूं फिर सेटेलाइट डीएनए हमारे दो पार्ट में आ जाते हैं इसके दो कैटेगरी हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कितना नंबर इसमें रिपीट हुआ है है ना और उसके बाद इसमें ए टी और जी सी का जो अमाउंट है उसके बेसिस पर इसके बेसिस पर हम इसको फिर दो में कर देते हैं एक होता है मिनी सेटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सेटेलाइट मिनी सेटेलाइट को हम लोग बोलते हैं वी एन टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है VNTR, repeats, ना इसको हम यू भी कहते हैं और उसके बाद माइक्रो जो सेटेलाइट है उसको हम लोग शॉर्ट टेनम रिपीट भी बोलते हैं ठीक है इतनी चीजें क्लियर है बच्चों अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो एक वर्ड आएगा इसमें पॉलीमोरफिजम क्या आएगा पॉलीमोरफिजम इस वर्ड को मैं चाहू मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए पॉलीमोरफिजम की अगर मैं बात करूं तो इसको दो वर्ड में हम तोड़ सकते हैं जैसे बायोलॉजी को हम तोड़ते हैं बायोस प्लस लोगोस तो देखिए पॉली प्लस मोरफिजम पॉली याद कीजिए पॉली कार्पेलरी या फिर मल्टी कार्पुलरी आपने बोला था ना तो मल्टी कार्पोलरी क्यों बोला था आपने बहुत ज्यादा एक से ज्यादा प्रेजेंट था तो मतलब यहाँ पर वन मोर देन वन और टू है है ना और मोर्फोलॉजी यानी मोर्फिज्म की बात करें मोर्फोलॉजी आप इसको बोल सकते पॉली मोर्फोलॉजी ठीक है मतलब पॉली मोर्फोलॉजी का मतलब है कि हमें जो है एक डीएनए स्ट्रैंड हमने अगर लिया तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें देखने को मिल गया एक जगह दो जगह तीन जगह है ना तो मोरफोलॉजी हमें तीन जगह देखने को मिल गया मॉर्फोलॉजी मतलब अपियर हुआ हमें कितनी जगह तीन जगह हमें देखने देखने को मिला इसीलिए हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं पॉलीमोरफिज्म अगर डीएनए की बात करें डीएनए एन क्या है कि भाई जो हमारे डीएनए में सिक्वेंसेस में चेंज है है ना जो हमारा रिपीटिंग यूनिट्स है वो कई जगह हमें दिख रहा है तो इसलिए हम इसको डीएनए मॉर्फोलिज्म बोल रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसकी अगर मैं बात करू इसको देने वाले साइंटिस्ट थे वो है एलेक जैफरी कौन है एलेक जैफरी कब दिया था 1985 में इन्होंने दिया था इन्होंने जो हमें एक्चुअल में ये तो नॉलेज के बेसिस की चीज है एक्चुअल में हमें करना क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो हमारा क्रिमिनल होता है उस क्रिमिनल को क्या करना होता है आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई जैसे अगर किसी ने रेप किया है और वो आदमी बोल रहा मैंने नहीं किया है और पूरा का पूरा शक उस पर जा रहा है तो उसको यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं समझ में आई बात किसी ने मर्डर किया है किसी ने कुछ किया है अगर उसका ब्लड सैंपल हमें कुछ भी मिल गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं हम अभी आपके दिखाएंगे कि आपको मैं ब्लड एक सैंपल लूंगा उस सैंपल में से पहले डीएनए निकालूंगा उसके न्यूक्लियस में तैयार आइसोलेशन करूंगा उसके बाद उसमें डाइजेशन करूंगा रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस की मदद से फिर उसका उसके फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अरेंज करवाऊंगा फिर उसके बाद उसको स्तरन बुलेटिन के थ्रू कहाँ नाइट्रोजनस नायलॉन शीट या फिर नाइट्रो शीट पर उसको कन्वर्ट करूंगा फिर उसके बाद तो उसमें प्रॉब करवाऊंगा रेडियो एक्टिव वाला रेडिएशन पार करके फिर उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और फाइनली हमें जो होगा एक्सरे फिल्म पर एक पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा वो कुछ भी नहीं होगा वो डी एन फिंगर प्रिंटिंग होगा किसका क्रिमिनल का समझ में आए बात जो कि आपके एनसीआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है एनसीआर का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको क्रिमिनल सीन एक तरफ देखा होगा आप एनसीआर खोलिए जरा जरा खोलिए एनसीआर पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री पे आइए पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री पे है हाँ, ना फिगर सिक्स पॉइंट वन सिक्स पे आप यहाँ पे सबसे लेफ्ट की तरफ आइए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे नीचे डी एन ए फ्रॉम क्राइम सीन सबसे नीचे दिख गया सी वाला दिख गया ना तो ये डी एन ए उसका है उसका सिक्वेंस यहाँ पे वी एन टी आर है जो कि जो कि जिस पर क्राइम हुआ है जैसे मान लो किसी लड़की पर क्राइम हुआ उसके साथ रेप हुआ ठीक है या फिर मान लीजिए किसी बंदे को कत्ल किया गया है समझ में आए बात और उसके ब्लड से यहाँ पर कुछ मिले हुए हैं तो आप यहाँ से उसका देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम इस चीज को पहले माइंड में सेट कर लीजिए यहां पर जो डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन है नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट है देखिए पहले में क्रोमोजोम नंबर सेवन में है ना इसमें एलेवन टाइम है और उसके बाद इसमें टू में आ जाइए और उसके बाद पर आ जाइए चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा अब जो हमारा सस्पेक्ट है वो सस्पेक्ट क्या है ए और बी दो आदमी हैं ऊपर जाइए ऊपर डी एन ए फ्रॉम इंडिविजुअल ए और डी एन ए फ्रॉम इंडिविजुअल बी तो ऊपर वाले में हमने देखा पेटरनल क्रोमोजोम और दूसरा देखा हमने मेटर्नल क्रोमोजोम इतनी चीजें क्लियर है अब आइए तो पहले के केस में जो बंदा यानी डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए इस बंदे के केस में आपको जो वी एन टी आर दिखा क्रोमोजोम नंबर सेवन में कितना दिखा बोलिए जरा तीन और चार और क्रोमोजोम नंबर सेवन अब बी वाले में कितना दिखा बोलिए जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन दिखा और उसके बाद इसमें क्या है एलेवन और नाइन ठीक है अब देखिए क्रोमोजोम नंबर टू में इतना दिखा इतना दिखा इतना दिखा खैर ये छोड़िए अब इस सी को हम दोनों से जरा कंपेयर करें कीजिए भाई जो क्राइम सीन जिस पर हुआ है उसके अगर हम वी को देखें यानी वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट्स जो हुए हैं क्रोमोजोम नंबर सेवन पे एलेवन और नाइन जो कि ए वाला इंडिविजुअल जो है वो

और क्रोमोसोम नंबर टू बी वाले में ये दोनों पर मुझे शक हो रहा है मतलब आप थोड़ा सा पीछे हट गए पहले थोड़ा सा लगा कि बी वाला ही है अब क्या लग रहा है ए और बी दोनों है जब हम क्रोमोसोम नंबर टू को देख रहे हैं जब हम क्रोमोसोम सिक्सटीन को देख रहे हैं तो इस केस किसका सिक्सटीन इसका क्राइम सीन जिस पर हुआ है ठीक है और उसके बाद वहां ए और बी को देख रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिला है कि भाई ए वाले में तो बिल्कुल डिफरेंट है नंबर में VNTR, और बी वाले में सेम है तो पता ये चला कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल सस्पेक्ट हमारा क्या है एक्चुअल क्रिमिनल कौन है देखा जाए तो आपका थोड़ा सा 75 परसेंट जो चांस होगा आपका जो शक होगा वो बी वाले पर होगा लेकिन यू आर नॉट इवन यू आर नॉट कंफर्म की कौन है समझ में आए बात नेक्स्ट अब हम लोग असल काम करेंगे जो अलेक्स जेफरी साहब ने बताया ठीक है मतलब एम्पलीफाइड रिपीट बाय साइज ऑन अ फिंगर गिव अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे जो हमने लास्ट में पैटर्न निकाला है सी का वो आप देख रहे हैं रेड रेड येलो येलो और उसके बाद लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है यहां पे तो इस केस में अब ए का क्या है और बी का क्या है अब आपको करना क्या नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स जो हैं यहाँ पे अब सी को आप कंपेयर कीजिए जरा ए से और बी से अरे भाई जो लास्ट में आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाला है ना अब उसको कंपेयर कीजिए आप जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको सी और बी बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा और ए नहीं दिखा मतलब जिस पर आपका ऊपर में सेवेंटी फाइव परसेंट शक जा रहा था वो अब श्योर हो चुका है कि 100 यही बंदा क्रिमिनल है समझ में आई बात सारा कांड इसने उड़ा दो इसको तो मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके आपका आपने फायदा देखा एक्चुअल एकदम से एग्जैक्ट एक निशाना लगा कि कौन बंदा क्रिमिनल है ठीक है समझ में आई बात तो ये तो थे हमारे एनसीआर के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं बाकी अप्लीकेशन आपको मैंने बता ही दिया है कि एप्लीकेशन में हम क्या क्या जैसे पेटर्निटी की बात करें कोई बच्चा दावा कर दिया कि भाई ये मेरा बाप है अब वो बंदा भागे जा रहा भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कोई बाप ये बोल दिया मेरे बच्चे खो गए थे ये मेरा बच्चा है कोई अलग बंदा जानवर फिल्म की तरह बोल दिया नहीं ये मेरा बच्चा है तो ऐसा कुछ होने लगता है इस चीज़ की इन्वामेंटल इश्यूज की अगर हम बात करें जो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कंट्री से यहाँ आते हैं और फिर उसका उसको वो अब यहाँ का दावा करते हैं फिर उसके बाद आप उसका ये ये चीज़ निकाल करके आप पता लगा सकते हैं कि बंदा कहाँ से इसका जो रिलेशन है वो कहाँ से रिलेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें इस टाइप का आप इसमें पता लगा सकते हैं तो ठीक है जब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में ना जब तक के लिए बाय ओके तो फिर आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तो चलिए जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें मैं पहले यहाँ पे मेंशन करूंगा फिर समझाऊंगा ओके तो चलिए मैं आज हेडिंग डालता हूँ वो हैडिंग हमारा क्या होगा डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग क्या होगा डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तो अब हम देखते हैं क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सारी चीजें यहां पे एक सीक्वेंस में मेंशन है ठीक है बिल्कुल एज इट इज हमें ऐसे ही याद रखने हैं ठीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर मैं अब बात करूं भाई टोटल बेसिस चीजें जो अभी मैंने आपको बता रखा है टोटल बेस पेयर कितने 100 परसेंट में से 99.9 परसेंट बेस पेयर सिक्वेंस जो है बीपीएस का मतलब बेस पेयर सिक्वेंस क्या होते हैं इज सेम इन ऑल द पीपल हर पीपल में क्या होते हैं भाई बोलिए जरा 99.9% परसेंट बेस पेयर सीक्वेंस कैसा होता है सेम होता है बट यूनिक जो होता है यानी डिफरेंट जो होता है वो सिर्फ 0.1% परसेंट बेस पेयर सीक्वेंस ही क्या होता है डिफरेंट होता है यूनिक होता है समझ में आए बात एक्चुअल में जो हम करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे है ना क्रिमिनल को तो उसके लिए हमें इसी की जरूरत पड़ती जो सेम है उसको लेंगे तो वो तो सबका सेम ही आएगा हमें कभी क्रिमिनल नहीं मिलेगा अगर हम क्रिमिनल निकालना चाहते हैं तो हमें ये यूनिक जो कि सबके में एक स्पेसिफिक है सबके में अलग अलग है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है ये यूनिक है ठीक है तो किसी का डीएनए कंटेंट अगर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो मतलब वो यही चीज की बात कर रहा है ठीक है क्योंकि ये यूनिक है नेक्स्ट अगर हम डीएनए सेपरेशन की बात करें ओवरऑल अभी हमने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से जो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पढ़ा था उसकी मदद से अगर हम ओवरऑल डीएनए की बात करें स्टैप के ग्राफ से तो जो हमारा सबसे ऊपर लेवल का पीक लेवल होगा उसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं और छोटा सा जो स्मॉल पीक है उसको हम लोग सेटेलाइट डी बोलते हैं मतलब ये एक ऐसा डी है जो कि नॉन कोडिंग होता है जिसको हम लोग रिपीटेटिव डी भी बोलते हैं किसी भी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं करता है ठीक है नॉन कोडिंग सीक्वेंस तो हमने क्या बोला जो हाई लेवल का पीक लेवल पर है उसे हम बल्क डीएनए बोल रहे हैं और जो थोड़ा कम लेवल पर है स्मॉल पीक लेवल पर उसे हम क्या बोल रहे हैं सेटेलाइट डीएनए एन ए सैटेलाइट डी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन कोडिंग सिक्वेंस है मतलब किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा समझ में आई बात इसको रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं ठीक है ये जो हमारा पार्ट है ये वाला जिसको आप सेटेलाइट डीएनए आप बोल रहे हैं सेटेलाइट डी डीएनए डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ए टी जी सी इसके, इसके बेसिस पर है ना एंड लेंथ ऑफ सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ टाइम्स सीक्वेंस रिपीट यानी सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हुए हैं ठीक है ये सब के बेसिस पर अगर हम देखें तो सैटेलाइट के कितने दो टाइप होते हैं सैटेलाइट डीएनए के एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट बहुत अच्छे तरीके से आपके एनसीआर में ये चीज़ें दी हुई है हमने क्या देख लिया अभी तक कुछ भी नहीं देखा हमने बोला नाइन्टी

रिपेटेटिव डीएनए बोल रहे हैं या सेटेलाइट डीएनए कैसा होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है मतलब दे कैन नॉट कोड फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन ठीक है नेक्स्ट आज ये सेटेलाइट डीएनए की अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ एटीजी के uh, और सीजी के अमाउंट uh, में यानी ज्यादा होते हैं इसकी बात करें लेंथ ऑफ सीक्वेंस की बात करें नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सीक्वेंस रिपीटस की बात करें कितने टाइम्स ये सीक्वेंस रिपीट हुए हैं ठीक है इसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट को हम लोग रिफर्ड एज वीएनटीआर करते हैं मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट्स कई बार यहां से आ जाते हैं डायरेक्ट एक तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ठीक है ठीक तो वही फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स ठीक है ये टेंडम की बात करें कुछ भी नहीं है ये क्या है भाई वही सिक्वेंसेज हैं जो कि बार बार चेंजेस हो रहे हैं क्या है ये क्वेंसेस ठीक है टेंडम वर्ड यूज किया है परेशान होने की जरूरत नहीं है और माइक्रो माइक्रोसेटेलाइट देने की बात करें तो ये एसटीआर है, है, बोलते हैं यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट होता है ठीक है या फिर सिंपल सिक्वेंस रिपीट्स भी इसको बोलते हैं क्लियर नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये सबके लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन की अगर हम बात करें तो सब में क्या होता है स्पेसिफिक होता है क्लियर नंबर ऑफ रिपीट्स ये चीज़ें थी कुछ हमारे नॉलेज की इससे पहले अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे एलेक जेफ्रे साहब ने दिया था 1985 में अब इससे हम करते क्या है भाई जो हमारा क्रिमिनल होता है हमें पता नहीं लगता है यानी दो इंडिविजुअल पर हमें शक है उस दो आदमी में से क्रिमिनल कौन है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए एन फिंगर करते हैं वही चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि द मेथड यूज टू आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डी एन ए बाई लुकिंग अ यूनिक पैटर्न इन देयर डी एन ए समझ में आई बात मतलब इसकी बात कर रहा इस चीज़ कर है इस चीज को देख करके ठीक है इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करके ठीक है नेक्स्ट बच्चों हम रिपीटेटिव डीएनए की अगर मैं बात करूं रिपीटेटिव डीएनए रिपीटेटिव डीएनए अभी हमने सेटेलाइट की बात की है तो मतलब स्मॉल स्ट्रेचेस इसका अगर डेफिनेशन आप याद रखना चाहते हैं कि रिपीटेटिव डीएनए कौन है या फिर डी डीएनए तो स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स मतलब कई बार रिपीट हुआ जैसे मैं अगर बात करूं जैसे यहां पर मैं बात करूं यहां पर देखिए जैसे सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए समझ रहे सी जी टी ए तो ये कई बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो ये चीज बोला स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डी एन ए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स उसे हम क्या बोलेंगे रिपीटेटिव डी एन ए वर्ड जाहिर क्लियर बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में तो वर्ड ही उसके एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ना जो हमारा हेडिंग होता है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो कहे नॉन कोडिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या है मतलब कि शो हाई डिग्री ऑफ ये अब मैं इस चीज की बात बताऊं। पहली बात तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है क्या यानी कि ऐसा सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा हो ये चीजें ये चीजें, ऐसे अभी, अभी मैंने आपको समझाया हुआ पॉलीमोरफिलिज्म है क्या पॉलीमोरफिज्म। की अगर मैं बात करूं तो मतलब कि जो डीएनए का हमारा सिक्वेंस है उसमें हमें कई जगह में क्या दिख गया जरा अलग अलग टाइप के सिक्वेंस हमें दिख गए ठीक है जो कि नॉन कोडिंग है तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉलीमोर्फिजम अगर मैं बात करूं मेरा एक ए, एक हैंड, हैंड स्ट्रैंड है ये ठीक है इसको आप स्ट्रैंड समझिए यहां पर एक ऐसा सिक्वेंस दिखा जो कि नॉन कोडिंग है यहां पर फिर कुछ देर बाद एक ऐसा सिक्वेंस दिखा जो कि नॉन कोडिंग है फिर एक यहां पर कोई ऐसा सिक्वेंस दिखा जो कि नॉन कोडिंग है तो एक जगह दिखा दूसरी जगह दिखा तीन जगह दिखा मतलब पॉली एक जगह दो जगह तीन जगह तीन जगह दिखा मतलब पॉली हो गया ए, दो से ज्यादा हो तो हम लोग पॉलीवर्ड यूज करते हैं ठीक है और उसके बाद आपको क्या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखा इसीलिए हम क्या बोलते हैं पॉलीमोरफिज समझ में आए बात तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं पॉलीमोर्फोलिज्म क्या है तो पॉलीमोर्फिजम क्या है बोलिए जरा कि जो हमारा जो सीक्वेंस का मोर्फोलॉजी है वो हमें सीक्वेंस क्या कई जगह में अलग अलग दिखे ठीक है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं पॉलीमोर्फिज्म तो मतलब शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोर्फिलिज्म पॉलीमोर्फिजम है क्या कि भाई वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल म्यूटेशन म्यूटेशन की वजह से ही ऐसा होगा म्यूटेशन की वजह से ही तो एक नई चीजें आपको आगे चल के देखने को मिलेगी तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन याद रखिएगा पॉलीमोर्फिलिज्म जो होता है वो दिखता किसकी वजह से है भाई म्यूटेशन की वजह से ठीक है नेक्स्ट अगर नोट की बात करें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको अच्छे से याद रखिएगा कि डीएनए एन अगर आपसे पूछा जाए डीएनए एन पॉलीमोरफिज्म क्या है तो उस चीज की अगर मैं बात करूं तो इफ इफ इनहेरिटेबल इट नहीं इफ इफ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज अब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन अगर मतलब इनहेरिटेबल इनहेरिट होना यहां से वहां तक जा रही है पॉपुलेशन में ठीक है तो इफ अ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है उसे हम क्या बोलेंगे डीएनए पोलिमोर्फिजम तो डीएनए पॉलिमोर्फिजम समझ में आई बात बिल्कुल मतलब म्यूटेशन जो है वो आपको इनहेरिट हो रही है ठीक है एक पॉपुलेशन में और हाई फ्रिक्वेंसी पर मतलब उसे ही हम क्या बोल डीएनए पॉलीमोर्फिजम अगर मैं डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के प्रोसेस की बात करूं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असल में हमें यही चीज़ें समझनी है हमने अभी तक क्या देखा कुछ खास चीज़ें हमने नहीं देखी हमने थोड़ा सा बोला ये 99.9% सेम और 0.1% डिफरेंट यूनिक बोला फिर हमने डीएनए सेपरेशन की बात की तो भाई सेंट्रीफिकेशन से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्री एंड सेटेलाइट डी और फिर बल्क डीएनए की बात की फिर उसके बाद हमने बोला सैटेलाइट डीएनए जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेंडम्स रिपीट्स और उसके बाद लेंथ ऑफ़ और सिक्वेंस और उसके बाद ए टी सी जी के अमाउंट की बात की इसके बेसिस पर हमने माइक्रो और मिनी में क्या कर दिया कैटेगराइज कर दिया ठीक है मै मीनी को हम लोग ने वीआर टी आर जैसा रेफर किया है क्योंकि भाई वेरिएबल नंबर ऑफ रेंडम रिपीट्स इसका हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है सिक्वेंस से मतलब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे इसी वजह से हमने क्या बोल दिया इसको पोलिमोर्फिजम बोल दिया ठीक है फिर इसका नंबर ऑफ रिपीट स्पेसिफिक स्पेसिफिक होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ठीक है नेक्स्ट आ, आ जाते हैं हम लोगों ने बात की कि भाई ये एक्चुअल में डी एन ए है क्या कि हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते दे हैं उसके लिए हुए सैंपल से ठीक है है हाँ ना और उसका उसमें हम लोग एक यूनिक जो पैटर्न होता है वो देखते हैं उसके दिन की की बात की स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जिसमें रिपीट होते हैं कई बार है हाँ ना यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस की बात की अगर हमने तो शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोर्फिज मतलब जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगी ड्यू टू म्यूटेशन समझ में आई बात फिर उसके बाद अगर इन्हें म्यूटेशन है मतलब इन अ पॉपुलेशन एट फिर एट हाई फ्रिक्वेंसी उसे हमने डीएनए पॉलीमोर्फिज्म बोला क्लियर है एन सी आर टी की लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, कि भाई ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई अब इसका प्रोसेस क्या है तो इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस स्टेप्स को हम नाम दे सकते हैं पहला स्टेप होगा हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए एन एंड सेकंड स्टेप होगा हमारा डाइजेशन ऑफ डी एन एंड थर्ड स्टेप होगा हमारा जेल एलेक्ट्रोफ्रोसिस और फोर्थ स्टेप होगा हमारा बोलिए ज़रा क्या बोल सकते हैं चौथर्न ब्लॉटिंग बोलिए कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद फिफ्थ वाला हमारा होगा क्या बोलिए जरा प्रॉब प्रॉब बोलिए फिर उसके बाद लास्ट में हमारा जो सिक्स होगा वो होगा ऑटो रेडियोग्राफी इतनी चीज़ें क्लियर हैं अब देखो वो कैसे होगा वो सारी चीजें यहाँ पर होगी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए क्योंकि ये चीजें अगर आपने एक बार में नहीं समझी तो फिर आप लाखों बार समझिए आपको दिक्कत होगी है ना तो इसमें आ जाएं आप अच्छा यहाँ पे एक चीज बोला गया है प्रोसेस में सबसे पहले तो वीएनटीआर के बारे में बताया गया है आप देखिए इस प्रोसेस में जेफरी साहब ने क्या किया था ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए क्या यूज किया था इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था है ना एज द बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोफिज्म उसी को उन्होंने क्या बोला था भाई इट वॉज कॉल्ड एज वी एन टी आर समझ में आई बात तो वी एन टी आर एक्चुअल में है कुछ भी नहीं है वी एन टी आर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं सी जी टी ए की अगर मैं बात करूँ अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये जो है क्या नॉन कोडिंग है क्या मैं बोलू नॉन कोडिंग और सैटेलाइट है तो यही हमारा क्या हो गया वी एन टी आर यही हमारा क्या हो गया वी एन टी आर ठीक है और ये कई बार रिपीट होंगे तो वही चीजें अगर मैं बोलू यहाँ पे एलेक्स जैफरी ही यूज सेटेलाइट डी एन एज द बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग दैट शोज हाई यानी वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोरफिजम इट वॉज कॉल्ड एज वी एन टी आर अब देखिए अब जो चीज़ समझनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको सबसे पहले आइसोलेशन करना है उसके बाद डाइजेशन करना है डाइजेशन का मतलब उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है उसके बाद आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है उसके बाद आपको स्वथर्ण ब्लॉटिंग करना है क्या करना है ब्लॉटिंग करना है उसके बाद आपको आ, प्रॉप के ऊपर आ जाना है प्रॉप के अभी मैं बताऊंगा प्रॉप में क्या होगा रेडियो एक्टिव वाले जो स्मॉल स्टैंड लेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोलिए जरा सिक्स में ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे क्लियर अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर ठीक है पूरा कंसेंट्रेशन आपका आइए सबसे पहले जो हमारा क्रिमिनल था हमने उसका क्या लिया ब्लड क्या लिया ब्लड ब्लड लेने के बाद वो भी कौन सा ब्लड लिया होगा हमने भाई डब्लू बी सी लिया होगा क्योंकि अगर आर बी सी ले रहे हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियस नहीं है तो डी एन ए कंटेंट भी उसके पास नहीं होगा तो हम डब्ल्यू बी सी ले रहे हैं क्या ले रहे हैं डब्ल्यू बी सी और डब्ल्यू बी किसी के पास क्या होता है न्यूक्लियस होता है तो हमको डी एन ए यहाँ से आराम से मिल जाएगा तो हम सबसे पहला काम करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला काम क्या करेंगे हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए को पहले वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले हम वहां से डीएनए को लेंगे ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये ब्लड सैंपल है हमारा इसमें से हमने क्या लिया डीएनए को कर लिया आपका यहाँ पर डीएनए आपको दिख गया अच्छा एक एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप हो रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए आइए मैं उस जो स्टेप हमारा स्किप हो रहा है वो चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ होता क्या है एक्चुअल में विद द हेल्प ऑफ पॉलीमिरेज चेन रिएक्शन ठीक है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जो है उसकी मदद से हम ये जो डीएनए निकाले हैं इसमें हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमने डीएनए अमाउंट वहां पे कंटेंट ऐसे ऐसे जमा किया हुआ है इसमें क्या होगा बोलिए जरा एम्प्लीफिकेशन क्या होगा एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पी सी आर चेन रिएक्शन ठीक है मतलब एम्पलीफिकेशन uh, करेंगे तो सर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा रिजल्ट ये मिलेगा कि इसके जो है बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी क्या बन जाएंगी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी हो सकता है कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो कम अमाउंट में हो और यूज़ करने में uh, कुछ लॉस हो जाए हमें पूरा ना मिल पाए तो इसीलिए हम उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या करते हैं ले लेते हैं ठीक है ज़्यादा अमाउंट मतलब उसी का कॉपी बनवा लेते हैं क्लियर है इतनी चीज़ें नेक्स्ट आ जाइए दूसरा स्टेप पर ये हमारा डीएनए कंटेंट हमने ले लिया ठीक है एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके बाद हम करेंगे क्या बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एंजाइम की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कौन सा इंडोन्यूकुलियज इंपॉर्टेंट है अब हम डाइजेशन करने का मतलब ये नहीं उसको ख़त्म कर देंगे डाइजेशन करने का मतलब ये है कि उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हम क्या करेंगे तोड़ देंगे ठीक है तो वही चीजें डाइजेशन का मतलब क्या है तोड़ देंगे तो डाइजेशन ऑफ डीएनएन एंजामियस अब यहां पर आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं देख रहे हैं कई सारे फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं कुछ बड़े कुछ छोटे मतलब वो हमने इसके बनाए हैं, ठीक है? कौन सा इंडोन्यूक्लियस ठीक है अब जो ये फ्रेगमेंट्स है मैंने यहां पे लिखा हुआ है कोई बड़ा है कोई छोटा है ठीक है तो इस चीज को साइज 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 वाइज वाइज बाय अरेंज करने करने के लिए, करने के लिए लिए हमें क्या करना होता है जेल इलेक्ट्रोफोरस क्या करना होता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस आपके एनसीआर में दी हुई है बहुत अच्छे तरीके से और जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर पहले चैप्टर में ही यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो इस दो चैप्टर है उसमें एक तो बायोटेक्नोलॉजी और उसका उसका एप्लीकेशन वाला तो प्रिंसिपल वाला जो उसका चैप्टर है उसमें आपको दूसरे तीसरे पेज में दिए हुए हैं ठीक है ठीके? तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जेल जो है ये में कुछ क्या होते हैं बोलिए जरा जेल होते हैं एगारोज जेल क्या है ये एगारोज जेल और ये जो एगारोज जेल है ये जेल कहां से मिलता है बोलिए जरा सीवीड से सीवीड ठीक है सी बीट से मिलता है कौन अगर जेल तो अगर हम क्या किए भाई इस पर डाल दिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वेल प्रजेंट होता है वेल और इस वेल पर हम क्या करेंगे फ्रेगमेंट को डाल देंगे क्या करेंगे फ्रेगमेंट को डाल देंगे ठीक है वेल पर हमने क्या कर दिया फ्रेगमेंट को रख दिया अब एक तरफ प्रेजेंट है एक तरफ है क्या अनॉड और कैथोड हम लोग जानते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड की तरफ क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है और डीएनए जो फ्रेगमेंट है हमारा जाहिर सी बात है ये कैसा है नेगेटिवली चार्ज है क्लियर है अब इसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ठीक है जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो हमारा जो डीएनए है ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा किसकी तरफ मूव करेगा भाई पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो जो स्मॉल पार्ट है वो जल्दी से मूव कर जाएगा जो स्मॉल पार्ट है वो जल्दी से मूव कर जाएगा जो उससे थोड़ा सा बड़ा है वो थोड़ा कम मूव करेगा है ना ज्यादा देर में थोड़ा कम आगे जाएगा फिर उसका जो उससे बड़ा है वो थोड़ा और कम जाएगा समझ में आए बात तो पता ये चला कि यहाँ पर हमें साइज वाइज क्या हुआ अरेंजमेंट मिल गया डी फ्रेगमेंट्स का कहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में समझ में आए बात तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें क्या मिल गया अरेंजमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए समझ में आए अब अब इतनी चीजें क्लियर होगी याद रखिएगा यहां पर जो हमने जेल रखा वो जेल रखा है वो आपको कहा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सेपरेट हो जाएगा सेपरेशन ऑफ डीएन फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरसिस कैसा ऐसा देखने को मिलेगा इधर के थॉट नॉट था इधर के था तो स्मोलेस्ट पार्ट उधर चला गया पॉजिटिव की तरफ और जो लार्जेस्ट पार्ट था जितना भारी पार्ट था वो इधर ही रह गया ठीक है मतलब कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव था कैथोड वाला तो तो उधर चला गया गया अरेंजमेंट आपको 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 ऐसा दिख ठीक है तो अभी तक जो ये डीएनए का अरेंज्ड हुआ है वो कहाँ हुआ है बोलिए जरा जेल इलेक्ट्रोफोरसिस पर ही हुआ है कहाँ हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरसिस पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ अब हम इसको क्या करेंगे वहां से उठाएंगे क्या करेंगे वहां से उठाएंगे ठीक है वहां से जब हम उठाएंगे तो एक प्रोसेस होगा इसमें उसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग क्या बोलते हैं सदर्न बोलोटिंग सदर्न ब्लॉटिंग क्या है हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेपरेटेड पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स डी एन ए विच इज प्रजेंट ऑन जेल इन टू द नायलोन शीट मतलब कि जो इसमें आपको अरेंजमेंट हुआ है डीएनए का सीक्वेंस उसको नायलॉन शीट में कन्वर्ट करना नायलॉन शीट पे लाना यही क्या है सदर्न ब्लॉटिंग यही क्या है सदर्न ब्लॉटिंग तो नायलॉन शीट की बात करें एक तरह का मिम्बरेन होता है जैसे मैं अगर पेपर की बात करूं जैसे कोई सा भी एक पेपर का पार्ट ले लो है ना कोई पेपर समझ लो ये हमारा क्या नायलॉन शीट है या फिर नाइट्रोसेलुल मेम्ब्रेन है ठीक है इस मिम्ब्रेन को हम क्या करेंगे सेम इस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ऐसे रख देंगे और जब हम उसको देखेंगे तो सारा का सारा वो जो डीएनए का फ्रेगमेंट था वो हमारा इस इसपे आ जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पे नायलॉन शीट यानी नाइट्रोसेलुलज पेपर आपको दिख गया उस पर आ गया सबका सब ठीक है इतनी चीजें क्लियर है सदरन ब्लॉटिंग क्लियर है अब आ गया ये नेक्स्ट क्या होगा कि अब यहाँ पर हम करेंगे प्रॉब क्या करेंगे प्रॉब प्रॉब क्या है एक्चुअल में जो आपको ये डीएनए का जो आपको ये ये चीजें आपको मिली है है ना नायलॉन शीट पे अब इसमें हम क्या करवाएंगे प्रॉब प्रॉब का मतलब होता है कि स्मॉल साइज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है ना मतलब छोटा सा पार्ट लेंगे हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का ए सीक्वेंस इज कम्प्लीमेंट्री टू वी जो एक्चुअल में ये जो निकला है हमारा वो क्या है वी एन टी आर है क्या है ये एक्चुअल में वी एन टी आर ठीक है तो हम अब क्या लेंगे बाहर से दूसरा वाला हम क्या लेंगे स्मॉल साइज सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एन अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ आते हैं हम लोग ठीक है मतलब कि सपोज कीजिए जब हम ये काम कर रहे थे तो हमको ये ये समझ में आया ये समझ में आया कि जो हमारा वी एन टी आर है जो हमारा ये वी एन टी आर है वो वी एन टी आर सपोज डेट हमको दिमाग में आया कि वो टी ए जी टी ए हो सकता है क्या आया मेरे दिमाग में हो सकता है ऐसा ही साइंटिस्ट के दिमाग में आता है फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं साइंटिस्ट बन जाते हैं तो वी एन टी आर आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा आप श्योर नहीं है ठीक है तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा कौन सा प्रॉब वाला प्रोसेस प्रॉब का मतलब होता है एक्चुअल में जांचना एक्चुअल में पता लगाना ठीक है तो प्रॉब का आपने क्या किया कि प्रॉब में आपने मतलब स्मॉल स्ट्रैंड लिया जो कि कंप्लीमेंट्री है सिक्वेंस उसका कंप्लीमेंट्री है टू दी एन टी आर तो ये हमारा क्या है एक्चुअल में वी एन टी आर ये क्या है वी एन टी आर इस चीज को पता लगाने के लिए आपको क्या लेना होगा स्मॉल साइज सिंगल स्टैंड मतलब एक आपको डीएनए फ्रेगमेंट लेना होगा छोटा सा वो भी कम्प्लीमेंट्री लेना होगा तो टी है तो इसके अपोजिट में ए लेना होगा ए है तो टी लेना होगा जी है तो सी लेना होगा टी है तो ए लेना होगा ए है तो टी लेना होगा इतनी चीज़ें क्लियर है तो ये हमारा अब क्या हो गया भाई बोलिए ज़रा बोलिए जरा, बोलिये जरा. अब इसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्रॉप भी ले लिया और उसके बाद यहाँ पर अब हमको देखने को मिल गया प्रॉब वी एन टी आर क्या देखने को मिल गया प्रॉब वी एन टी आर समझ में आया तो प्रॉप वी एन टी आर आप समझ में आया जो आपको वी एन टी आर नजर आया था उस वी एन टी आर के कम्प्लीमेंट्री क्या लिया आपने एक स्मॉल डी एन ए का पार्ट या फिर फ्रेगमेंट बोल दीजिए है ना जो कि साइज में छोटा था सिंगल स्टैंड लिया तभी तो आप पहचान पाएंगे है ना तो हमने ये लिया हमने ये लिया कॉम्प्लीमेंट्री लिया उसके और हमारा सस्पेक्ट क्या था ये था ठीक है इतनी चीजें क्लियर है अब क्या करते हैं हम अब करते हैं इसमें हम रेडियोग्राफी अब क्या करते हैं इसमें हम रेडियो एक्टिव बोल दीजिए इसमें हम करते हैं रेडियो एक्टिव क्या बनाते हैं इसको हम रेडियो एक्टिव अब इसको जब हम रेडियो एक्टिव बनाएंगे तो मतलब जब रेडिएशन पार होगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा वी हमको मिल चुका है यही वी एन टी आर है अब आप श्योर हो जाएंगे पॉइंट टू बी नोटेड मैंने क्या बोला कि आपने जो यहाँ पे वी एन टी आर किया था आपका सस्पेक्ट ये था कि भाई ये है कौन ये तो सस्पेक्ट को दूर करने के लिए आपने क्या किया कि स्मॉल साइज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट लिया और कंप्लीमेंट्री क्या किया उसको यहाँ पे कंप्लीमेंट्री लिया और पे अरेंज किया तो आपको पता अभी तक नहीं चला आपने इसको कर दिया अब आप इसमें आपने क्या किया इसको रेडियो एक्टिव बनाया क्या बनाया रेडियो एक्टिव जब आपने रेडियो एक्टिव बनाया तो आपने जब रेडिएशन इसमें क्या किया डाला तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो रेडिएशन uh, आ रहे हैं है ना यही हमारा क्या है वी एन टी आर है तो अब आपको पता लग गया कि हमारा हमको वी एन टी आर मिल चुका है समझ में आई बात अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज समझने की है मैं इसको थोड़ा रफ कर दू आप नोट डाउन करना चाहें तो कर ले नहीं सर बाद में एक बार नोट डाउन करते हैं हम ठीक है इधर आओ हम नहीं करेंगे नहीं मिटाएंगे ठीक है इधर आओ सपोज ए जी सी क्या लिया था हमने कुछ भी ले लो यार ए जी सी टी ए जी टी ए जी टी ए हमने ले लिया ठीक है कुछ भी ले लिया उसके बाद आपने क्या किया टी ए टी ए होगा ना ए टी सी ए टी ठीक है मतलब कि आपका यहां पर आपको क्या देखने को मिला प्रॉब बी एन टीआर ठीक है आपने रेडिएशन पार किया ठीक है यहां पर रेडिएशन क्या हुआ रे पार हुआ और आपको पता चल गया कि हमारा जो वी एन टी आर है हमको मिल चुका है समझ में आए बात नेक्स्ट आइए अब जो है क्या करवाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हम वॉशिंग करवाएंगे क्या करवाएंगे वॉशिंग मतलब वॉशिंग करने का फायदा यह होगा जो आपको चाहिए था सिर्फ वही बचेगा बाकी ये सब के सब क्या है खत्म हो जाएगा सबके सब क्या होगा खत्म हो जाएगा आपने जो प्रॉब डाला था ना वो प्रॉब क्या हुआ कि इधर वो कहीं भी बाइंड नहीं किया जहाँ उसको समझ में आया जहां पर उसको पूरा एक, ए, ए टू जेड सिक्वेंस मिला ना वी एन टी आर यहाँ पर इसने बाइंड किया ठीक है नेक्स्ट वाशिंग करेंगे तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे ठीक है अब आपको सिर्फ क्या बच जाएगा बोलिए जरा VNTR वाला रीजन ठीक है अब नेक्स्ट देखिए अब हम कराएंगे क्या ऑटो रेडियोग्राफी अब हम क्या कराएंगे लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी जब हम ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे मतलब कि हाइब्रिड हाइब्रिड डीएनए देन एक्सपोज्ड टू एक्सरे जब अब हम क्या करेंगे बोलिए जरा एक्चुअल में ये आप क्या करवा रहे थे हाइब्रिड करवा रहे थे यहाँ जो आपने करवाया था कंप्लीमेंट्री प्रॉग वाला केस लिया था यहाँ पर देखिए हाइब्रिड करवा रहे थे आप मिक्स करवा रहे थे समझ में आए बात तो अब जब ऑटो रेडियोग्राफी आप करवाएंगे तो हाइब्रिड डीएनए एन देन एक्सपोज टू एक्स रे अब डीएनए क्या होगा एक्सपोज हो जाएगा जो हमने ये हमने देखा एक्स रे फिल्म रे फिल्म पे हमें एक प्रॉपर पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा ये जो आपको देखने को मिला है बच्चों ये कुछ भी नहीं है यही है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और ये सबका क्या होगा बोलिए जरा डिफरेंट होगा समझ में आई बात क्या बोला मैंने जो आपको लास्ट में देखने को मिला यही हमारा क्या है डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग क्लियर फिर से आइए थोड़ा सा दो मिनट में आपका लूंगा मैंने एक सिंपल ब्लड में से डीएनए निकाला डी एन ए निकाला डब्ल्यू बी सी ले लीजिए आइसोलेशन करवाया डाइजेशन करवाया बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गया फ्रेगमेंटेड पार्ट को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिया और उसका देने के बाद हमने देखा कि हमें कुछ स्टेप का अरेजमेंट देखने को मिल गया देखने को मिल गया क्लियर है मतलब कि स्मॉल पार्ट जो थे वो आगे की तरफ मूव कर गया और जो लार्ज पार्ट था वो या बिग पार्ट था वो किधर रह गया पीछे ही की तरफ रह गया फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया किस पर भाई नालोन शीट पर अब जो नालन शीट पर हमने लाया इसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग क्लियर है नालोन शीट बोलिए या फिर नाइट्रोसे पेपर बोलिए ठीक है नेक्स्ट अब हमको ज़रूरत पड़ी प्रॉब की हमने स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एन फ्रेगमेंट लिया जो कि कंप्लीमेंट्री है टू द वी तो मतलब हम उसके साथ उसको क्या किए भाई मिक्स करवाए यानी उसको कंप्लीमेंट्री करवाए टू ईच अदर तो वो जहाँ पर उसका वी का सीक्वेंस अरेंज होगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे हमारा वी एन है और वहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे उसको रेडियो एक्टिव करके अगर वहाँ से अगर वहां से रेडिएशन पास हो रहा है हम समझ जाएंगे हमारा वी एन टी आर हमको मिल चुका है नेक्स्ट हम करेंगे वॉशिंग ताकि हमें सिर्फ वी एन टी आर ही से काम है जो उसके रेस्ट पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए तो रेस्ट पार्ट जो था वो खत्म हो जाएगा और हमें सिर्फ वो वी एन टी आर वाला रीजन ही हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट हम करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी में जो एक्सरे फिल्म है उस पर हमें क्या होगा जो हमारा हाइब्रिड डीएनए था वो क्या होगा एक्सपोज हो जाएगा टू द एक्सरे ये जो निकला हमें एक पैटर्न हमें देखने को मिला ये कुछ भी नहीं यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग है समझ में आई बात तो चलिए बच्चों आज हमने सारी चीजें देख ली है डीएनए फिंगरप्रिंट फिंगर प्रिंट का और आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में या अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए बाय